ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में ऐतिहासिक किलों को होटल और वेटिंग हॉल बनाने की खबर जैसे ही फैली, सोशल मीडिया में राज्य सरकार का तीव्र विरोध होने लगा। ऐतिहासिक किलों से लोगों का सांस्कृतिक धरोहर से जोड़कर देखा जाता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में करीब छोटे और बड़े 1000 से भी ज़्यादा किले हैं। उन किलों को शादी समारोह और पार्टी करने के लिए किराए पर देने का विरोध एनसीपी के आमदार जितेंद्र वार्ड ने ठाणे में अपने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध जताया है। गढ़ और किले, ये कोई साधारण शिल्प नहीं है, वास्तु नहीं है। हर पत्थर, हर मिट्टी का हर दाना ये कहता है कि इतिहास क्या है, जो इतिहास खून से लिखा गया। हजारों ने अपना खून बहाया तब जाके कहीं इतिहास लगा लिखा गया। शिवाजी महाराज के साथी हो, संभाजी महाराज के साथी हो, जीजा माता हो, और उनके बाद आने वाले वो पीढ़ियां, वो नस्ल जिन्होंने हर दम मराठी इतिहास का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया, मौत से नहीं डरे, लेकिन अपने मुफाद के लिए, अपने गिरते हुए महसूल के साथ को संभालने के लिए अगर वहां पे पार्टियां करोगे तो ये मराठी आदमी कैसे सहन करेगा? क्या शिवाजी महाराज ने इसलिए वो गढ़ किले बनाए थे? समंदर से होने वाले आक्रमण को रोकने के लिए जब शिवाजी महाराज जंजीरा बना रहे थे तो क्या आपको बीच पार्टी बुला के करने के लिए बनाए थे? उम्र के 16वें साल में उन्होंने जिस किले के ऊपर पहली बार अपना झंडा डाला था, गाड़ दिया था, हम तो 16वें साल में अपना होश नहीं संभाल सकते हैं। उन्होंने पूरा पुनः अपना राज्य संभाल लिया था। चाहे वो रायगढ़ हो, राजगढ़ हो, सिंहगढ़ हो, प्रतापगढ़ हो, हर पत्थर, हर मिट्टी का वो दाना हमें याद दिलाता है क्या हुआ था। वो आदर्श है, वो हमें दिशा देते हैं, और ये सरकार हमें दिशाहीन करना चाहती है। जिन्होंने इतिहास कभी पढ़ा नहीं, उस इतिहास का सम्मान नहीं करना चाहते, वो इतिहास को बदलना चाहते हैं, उसको खराब और नष्ट करना चाहते हैं। हम किसी भी पार्टी में हो, हमारी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन मराठी आदमी अपने इतिहास से खिलवाड़ कभी भी सहन नहीं करेगा। एक भी गढ़ किले पे न तो शादी होने देंगे, ना पार्टी होने देंगे, जान की बाजी लगाएंगे, लेकिन इस निर्णय को रोकेंगे। वहीं राज्य के पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल ने कहा है कि ऐतिहासिक किलों को किराए पर देने का सवाल ही नहीं उठता है। इन किलों के विकास और जतन के लिए सरकार ने नीतियां बनाई है, जिसमें 25 किले निवेशकों को दिए जाएंगे, मगर इस पर राजनीति बेवजह कर विरोध किया जा रहा है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।